हरियाणा के जिला सिरसा का गांव नटार। आज यह गांव एकदम साफ और स्वच्छ है। कुछ समय पहले तक इस गांव में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी थी। बरसों पुरानी आदत के चलते कुछ लोग शौच के लिए बाहर जाया करते। एक दिन डीआरडीए सिरसा की संपूर्ण स्वच्छता अभियान की टीम ने गांव का दौरा किया। उन्होंने गांव वासियों को इकट्ठा करके गंदगी से होने वाली बीमारियों और परेशानियों के बारे में जागरूक किया। गांव वालों ने स्वच्छता के महत्व को समझा और कुछ ने तो अभियान से जुड़ने का मन ही बना लिया। गांववासी स्वच्छता समिति में शामिल होकर इस बात की निगरानी करने लगे कि कोई बाहर शौच न जाए। हम कहते थे भी खुले में जाना बंद करो और लैटरिन खाना बंद करो। तो आज की तारीख में अब कैसा लग रहा है आपको अपना गांव? बहुत अच्छा लग रहा है। अब कोई नहीं जाता आपके गांव में? नहीं जाता। अब कैसा लग रहा है आपको अपना गांव? बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हो? हाँ जी। आप खुले में मत जाओ, बाहर लैटरिन जाने से बीमारियां फैलती हैं। हमने समझाया तो थोड़े बहुत जाते थे, बाकी रुक गए। अब कोई नहीं जाता? नहीं। तो अब कैसा लग रहा है आपको अपना गांव? अच्छा लग रहा है। खुश हो आप अपने गांव से? हाँ जी। समझाते थे कि बाहर ना जाया कर, घर में बनवाया कर। जब आपने लोगों को समझाया तो वो एक ही बारी में समझ गए कि समय लगा? समझने वाले जो एक बारी समझ जाते हैं, हाँ, तो जेड़ा नहीं समझदा जी वो नहीं समझदा। हाँ, पर आज की तारीख में आपको अपना गाँव कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा जी, अब तो बहुत फर्क है पहले से। ये अपने आदमी आते हैं साथ, उनके जाके हम मिल के सबको मदद करते थे, सबको कहते थे भी बनाओ, पानी ना छोड़ो, लैटरिन बनाओ, सबको सही काम हो गया सही। तो ये जो स्वच्छता अभियान चला इससे खुश हैं आप? बहुत खुश है जी, बहुत ज्यादा से ज्यादा खुश हैं। घर की सफाई अच्छी है, खुले में जाना ठीक नहीं। शौचालय बनाओ, पानी को रोको, मच्छर से बीमारी पैदा होती है। क्या किया आपने? हमने घर घर में जाके टीम के साथ गए, उनके घर में बोला भैया ये जो आपके गली में चिक्कड़ है, जो पानी है, इसको बंद करो और सूखता खड्डा बनाओ एक। और साथ में गए टीम के साथ, हमने भी सहयोग दिया और टीम भी साथ गई और कुछ लोगों ने खड्डा बना लिया। शौचालय तो सभी ने बना लिया। फिलहाल जो भी खुले में सोच जाता था उनको रोका है, अगर वो फिर भी गए तो उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी डाली है, फिर उन बड़ों आदमियों ने शर्म आई। अगर देखो छोटे बच्चे हैं ना, मिट्टी डाल रहे हैं जो हमारी गंदगी पर, इससे उनको समझ में आई है और अब लगभग सारा गांव स्वच्छता अभियान का पूरा समर्थन कर रहा है और सही इस गांव में पूरी स्वच्छता है। क्या आपका गांव आज की तारीख में पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हो गया? हाँ जी। कोई नहीं जाता बाहर? नहीं जी। पहले किस तरह की गंदगी हुआ करती थी? बहुत गंदगी थी जी। कैसी? यही जो खुले में लोग आम जाते थे, अब ये अपनी टीम आने के कारण अब शौच से मुक्त हो गए हैं लोग, और लोगों को टीम और पंचायत ने मिलकर समझाया है। तो आज की तारीख में कैसा लग रहा है आपको अपना गांव? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। खुश हैं आप? हाँ जी। निर्मल ग्राम पुरस्कार लगता है आपके गांव को मिल जाएगा? मिलना चाहिए जी, हम तो पूरी नींद पे हैं और पूरी कोशिश पे हैं। आज यह गांव पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त है। सभी घरों में बने शौचालयों का इस्तेमाल करने लगे हैं। स्वच्छता का महत्व समझ चुके गांववासी सुंदर और स्वच्छ वातावरण में रहने लगे हैं। नया साल इनकी जिंदगी में नया सवेरा लेकर आया है।